Not started yet, man. Oh, theater inside with popcorn and what a TV. Wow, amazing. Yeah. Why? Look at seven banana with this job. Are you sure you get bananas over there? Yeah. Here's a booth over there. Not bananas. Men's no. Hey guys, welcome back to the channel. मुझे पता नहीं है मैंने vlog को start भी किया था या नहीं किया था. I have really no idea. लेकिन मैंने सोचा कि vlog को start करते हैं. तो vlog को start करने का एक ये reason है कि मैं आज कुछ different बना रही हूँ. मतलब actually मैं बना रही हूँ bread. Slice bread बनाने का सोच रही हूँ. वैसे तो मैं बहुत सारे पाव वगैरह बनाती थी. बहुत साल से नहीं बनाया है. ऑलमोस्ट 2 साल हो गया होगा. तो नहीं बनाया है पाव वगैरह. पाव मतलब जो गोवा में मिलता है या बॉम्बे में मिलता है वो वाला. वैसे आज लंच में क्या बनाया है मैं बताती हूँ. मैंने यहाँ पे बनाई है रेड सब्जी, रेड भाजी जो बोलते हैं, और पालक भाजी. दोनों मिक्स करके यहाँ पे मैंने भाजी बनाई है. सिंपल सी दाल बनाई है, लेकिन सिंपल सी दाल में ना मैंने कोकोनट ऐड किया है. कोकोनट के साथ ग्रीन चिली और टर्मरिक, कोरिएंडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐसे ऐड करके दाल को पहले बॉईल करके लेना है, तड़का देना है. उसके बाद कोकोनट को थोड़ा सा फ्राई करके लेना है. फिर जो बॉईल दाल हुई होती है उसको ऐड कर देना है. उस तरह से मैंने बनाया. तो सिंपल सा बनाया. एंड आज बनी है फिश, किंग फिश फ्राई किया है. और जो मुझे आज दिखाना है वो है, मैं आज न्यूट्री कुक को थोड़ी डिफरेंट तरीके से यूज करने वाली हूँ. एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा विंटर, मतलब विंटर सीजन चल रहा है. तो डेफिनेटली जब आपको ईस्ट दाल के ब्रेड को प्रूफिंग के लिए रखना पड़ता है, जब पफ होने के लिए रखना पड़ता है, वो उस तरह से नहीं होता है. तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने न्यूट्री कुक को गर्म कर दिया था एंड उसके बाद को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है. तो मैंने अंदर का जो टेम्परेचर है ना, इस तरह का बनाया है कि गर्माहट वाला टेम्परेचर बनाया है, ताकि मुझे देखना है कि ये जो मैंने इस डाल के रखा है वो फूलेगा या नहीं. मुझे पता नहीं है, मैंने बहुत साल बाद बनाया है इसको, तो मेजरमेंट में भी शायद गलत हो सकता है. यहाँ पर योगर्ट हो सकता है, तो वाई नॉट ब्रेड. मतलब ब्रेड नहीं हो रहा है, ये फूलने के लिए 2 घंटे तो रखते हैं, 2 घंटे फूलने के लिए लगते हैं. अगर ज्यादा यीस्ट डालोगे तो जल्दी से होता है, लेकिन मैं ज्यादा यीस्ट नहीं डालना था. मैंने 1 टेबलस्पून यीस्ट डाल दिया है. बच्चे क्या कर रहे हैं बता. आज से बच्चों को टीवी देखना मना है, इसलिए क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी स्टार्टेड एंड हेतम ऑलवेज फिनिश एंड हैना इज ओवर हियर. सो दे आर डूइंग देयर ओन थिंग्स, बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड. हिंदी. गुड इवनिंग डैडी, क्या हाल है? हाल पूरा बेहाल है. सो जब मैंने डाला था इट वॉज अराउंड 2 o'clock और अभी बज रहे हैं 5:30. तो ये डबल हो गया है. दैट मीन्स दिस वर्क. बिफोर आई कैन मेक बटर ब्रेड, वी विल ईट ब्रेड विद चाय विच इज ऑफ द कैरफोर. टेक डैडी, एंजॉय. थैंक यू मम. आई कैन सी योर ब्रेड इज स्टिल देयर. योर्स गुड. दिस इज माई चाय एंड इसमें जो बटर है ये है न्यूट्रा लाइट का बटर एंड इट्स वेरी डिलीशियस. बेबी वंस अपॉन अ टाइम योर फेवरेट बटर वॉज विच वन? अमूल. अमूल. नाउ विच इज योर फेवरेट बटर? नाउ दिस वन, न्यूट्रा लाइट. न्यूट्रा लाइट एंड इट्स वेरी लाइट. Although it is in fridge, easy to remove and apply. Yeah, that is a good advantage. It never get freeze hard. But Amul butter has lot of salt. Huh? 1 hour in the night, she told me same thing. I want mama. She's a real joker of your life. What do you mean by that? Real joker? Making me laugh. How? What is real joker? You are just time passing for Hindi. I cut it. Go now, you do Hindi. He is looking like that Tamil Nadu minister, no? मिट्टू क्या कहता है? मिट्टू क्या कहता है? चलना है हिंदी एग्जाम. That is not there. That Mittu and Kora is not there. But he studied that also. Science. He's ready for science. Scientific guy is. Yeah. I go look at the. What is the certain will I have to flush it up to toilet? That doesn't make even any sense. What is the Celtic in Roman. The villa? No, it's Roman. There is such who live just like Romans are called Roman numbers. I don't know about you, but I want something. The Romanos exported the imported. Ah. Where? Important.
इम्पोर्टेंट है. सो गाइज, जो ब्रेड मैंने सुबह रखा था, आफ्टरनून को रखा था, ये हो गया है. थोड़ा सा हवा इसमें भर गया है, तो इसको अभी ऐसे करेंगे वापस. और इसका हमें ब्रेड बनाना है, लेकिन ब्रेड बनाने से पहले और एक बार इसको फुलाना पड़ेगा. एयर जो है ना भरी हुई रहती है, तो उसको हम लोगों को पहले निकालनी पड़ेगी. उसके बाद ब्रेड बनाने के लिए जैसे भी शेप में हमें चाहिए वो ब्रेड बनाना पड़ेगा. और ये मैंने ऑलरेडी ऑयल डाल के रख दिया है यहाँ पे. व्हाट आई डू नाउ, आई हैव टू इसको ऐसे डालना है. एंड इसको It's like making chapati, yes, but only this is bread. Correct. But this is only bread. Different so I need to make it like that. और अगर मुझे राउंड राउंड शेप में करना है तो उस तरह से करना है. लेकिन मुझे इसका ब्रेड बनाना है, a shape of this. But I'm going to bake it in this one. इसलिए क्योंकि ये जो न्यूट्री कुक है इसमें मैं बनाने वाली हूँ, मतलब रखने वाली हूँ, लेकिन इसके अंदर रखने के लिए मेरे पास उतना छोटा बर्तन नहीं है. तो ये दिस इज द परफेक्ट साइज, तो इसलिए मैं ये वाला इसके अंदर रखूंगी एंड इस शेप का ये बन जाएगा. होपफुली ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ. तो ये हो गया इस तरह से रेडी. एंड ये मैं रखूंगी इसके अंदर मोर 60 मिनट या एक घंटे के लिए. उसके बाद हम बेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा वार्म रहता है. What do you think? How it will be like? It will be like a loaf, you know, loaf. Yeah. Like a loaf. It will be like that. This is what I am thinking. Let's see what happens. Bread, bread. You think you are making a perfect bread because perfect this is perfect sliced bread. I am trying to make. Actually, I have a mold, but ये वाला mold इसके अंदर नहीं जाएगा. Like if I want to keep, it will not go. That's why I am using that round one. Round one is perfect to go in the nutri. So almost 2 घंटे हो गए हैं. नाम काम. Already had bath and all. Yes. ये फूल गया है, लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं हुआ है. बिकॉज आई वाज थिंकिंग लाइक ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा, लेकिन ये लाइक ना इस तरह से हुआ है. नो प्रॉब्लम. तो अभी मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी. तो मैंने ओवन को गर्म होने के लिए रख दिया है. 10-15 मिनट तक मैंने प्री हीट होने के लिए रख दूंगी. उसके बाद ब्रेड जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगी ताकि वो बेक हो. तो आर यू रेडी? आर यू रेडी टू गेट बेक्ड? अर्ली मॉर्निंग ब्रेड, आर यू रेडी? Bread, are you ready to get baked? Yes, it's telling. Bread, are you ready to get baked? Nice smell is coming, na? Oh. Hard, na? No, no, good. I don't know how it is like. I'll come to know. No, no, don't touch it. Yeah, it's very hot. तो गाइस हमारा ब्रेड रेडी है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है मुझे पता नहीं. आई हैव टू गो एंड चेक वंस वी आर गोइंग टू ट्राई द फिश सो वी कैन ईट हॉट हॉट ब्रेड विद द फिश. वी वांट टू सी ऑल टुगेदर. वन टू थ्री टू यू सी परफेक्टली बेक्ड? यस, इट्स परफेक्टली बेक्ड. हम ऑसम. Sure, sure. Yeah, many. Next time we'll make small buns. Yeah. With fish fillings, like, no? Okay. So you'll make, and on top we can put sesame. Maybe yeah, white, yeah, yeah. White and black sesame mix. Yeah, yeah. And then we can put maybe keema also. We can. Yeah, we can make different. Chicken fillings. Also, like. Yeah, beans we can put. And cheese chicken, we can put. Cheese bread, but nice and make small and. Yeah. So this is pretty. No, we're making the buns. Prawns. Prawns we can make. Prawns. Prawns we fry. Mmm, yum. Yeah, that will be yummy. Yeah, yeah, this yeah. This one bread will be like dinner. Like this bread what you made is my capacity. My capacity meaning you will eat that full one? Yeah, what you will eat now? You have got type of bread now. Good, we bought our bread. This one. But this still looking like a slice of bread. That's a slice, you know, normally. Anybody can laugh without smiling. Start with you. Ha. You're still smiling. No smiling, just laughing. You're laughing, laughing. You cannot do as you tell me. What bread I eat, I think the yeast is still growing in my throat. Okay guys, see you in our
toes.